श्री राधे राधे। भक्तों, जिससे अपनी प्रीति बढ़ानी हो, उससे बातें करना, उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में कुछ बोलना, दूसरों को समझाना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, उनकी सेवा करना, ये बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। श्रवण करना उनके विषय में बहुत जल्दी मन को जोड़ने का साधन है। इसलिए भक्त लोग अकेले में भी अपने भगवान से बात करते रहते हैं। जहाँ दूसरा कोई सुनने वाला नहीं, वहाँ अपने प्रभु का अनुभव करते हुए, ये विश्वास रखते हुए कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे ठाकुर जी सुन रहे हैं, मेरे प्रभु सुन रहे हैं, इसलिए बात करते रहते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, श्री भगवत दास जी अब भगवत रसिक हो चुके हैं गुरुदेव की कृपा से, और वे प्रिया प्रीतम के अनुभव दर्शन के आनंद में एकदम डूबे हुए, बहुत प्रेम भरे हुए शब्दों में स्वतः ही एक रचना करते हुए गाते हुए अपने प्रिया प्रीतम को रिझा रहे थे, पद गायन कर रहे थे। किंतु उसी समय कुछ लोगों के आने के पैरों की आहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, और जब नेत्र खोला भगवत रसिक जी ने, तब देखा कि वही ब्रजवासी सेवक बालक बल्लभ है, और साथ में चतुरदास जी सामने आकर के बैठ गए। बल्लभ की बातें तो मैं आपको कई बार सुना चुका कि वृंदावन में रहने वाला वो बालक था, वृंदावन अर्थात यहाँ की बातों को खूब जानता था, यहाँ के स्थानों को जानता था, भक्ति के मर्म को नहीं जानता था, लेकिन यहाँ रहते हुए यहाँ की जगहों को, स्थानों को जानता था। और जो दूसरा नाम मैंने लिया कि चतुरदास जी आकर बैठ गए हैं सामने, वे थे श्री ललित मोहिनी दास जी के शिष्य अर्थात भागवत रसिक जी के छोटे गुरु भाई। वे इटावा के रहने वाले थे और स्वामी हरिदास जी की रसोपासना से आकृष्ट होकर उन्होंने तटिया स्थान में दीक्षा ली थी, तथा सही अर्थों में वे उस परम तत्व को पाना चाहते थे जो अनन्य रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जी का एकमात्र अभीष्ट था। उसी की खोज में वे जब मौका मिलता तब अपने गुरु भाई श्री भगवत रसिक जी के पास चले आते थे, क्योंकि उनकी निश्चल निर्दोष रहनी और रीति आदि को देख करके चतुरदास जी को अपने उपासना मार्ग पर आगे बढ़ने में जितनी प्रेरणा मिलती थी, उतनी उन लोगों के संग से नहीं जो अपने द्वारा दूसरों को दिए गए उपदेशों पर स्वयं ही अमल नहीं करते थे। इसलिए चतुरदास जी चाहते थे कि उनका अधिकांश समय भगवत रसिक जी के साहचर्य में बीते, किंतु ऐसा करने के लिए जिन अनुकूल परिस्थिति के वटवृक्ष की आवश्यकता थी, उसका अंकुरण अभी धीरे धीरे हो रहा था। अर्थात अभी भागवत रसिक जी का रूप अधिक विकसित नहीं हुआ था, विकसित होना प्रारंभ हुआ था। इसी बीच वल्लभ अपने स्त्री बच्चों और घर कुटुंब को अंतिम प्रणाम करके कालिंजर से वृंदावन आ गया था। उसके हृदय कमल में परम वैराग्य का पावन सौरभ भरा था।
अब वो वृंदावन में अखंड वास करते हुए उस रस भक्ति के मर्म को समझना और अनुभव करना चाहता था, जिसे उसने भगवत रसिक की आंखों में अनेक बार छलकते देखा था। उसे विश्वास था कि भगवत रसिक जी तटिया स्थान में ही साधना रत मिलेंगे, किंतु जब वे वहां नहीं मिले तो उसने उनके बारे में वहां के साधुओं से पूछा। उस पूछताछ में बल्लभ को उतना ही पता लग पाया कि भगवत रसिक जी तटिया स्थान में नहीं के बराबर आते हैं, पर रहते कहीं वृंदावन में ही हैं, किंतु कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी बल्लभ को ठीक ठीक नहीं मिल पाई। साथ ही एक बात और जिसका अनुभव करके बल्लभ को आश्चर्य भी हुआ और दुख भी, वो ये था कि उन साधुओं के स्वर में भागवत रसिक जी के प्रति अकल्पनीय अवहेलना का भाव था। तभी उसकी भेंट चतुर्दासी से हो गई। उन्होंने भागवत रसिक जी के प्रति जो श्रद्धा सम्मान और बल्लभ के प्रति जो प्यार दुलार का भाव दिखाया, उससे बल्लभ का मुरझाता मन फिर से हरा भरा हो गया। उसने चतुर्दास जी से बात की तो सारी परिस्थिति स्पष्ट हो गई। भक्तों, अगले दिन प्रातः काल ही चतुर्दास जी बल्लभ को लेकर भगवत दास जी से मिलने गए, जो भगवत रसिक हो चुके थे। और भक्तों, भगवत रसिक जी ने जब अपनी स्नेहिल दृष्टि इन दोनों पर डाली तो इनके हृदय कमल सहसा प्रेम के मादक सौरभ से भर कर खिल उठे। अचानक दोनों के मुंह से निकला श्री हरिदास और दोनों के हाथ भगवत रसिक जी के चरणों की पवित्र रज का स्पर्श करने के लिए एक साथ बढ़े, किंतु भगवत रसिक जी ने उन्हें अपने खुरदरे हाथों में समेटते हुए कहा, श्रद्धा का ये बिरवा जिस पर भक्ति के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तब तक ही हरा भरा रहता है जब तक कि उसकी जड़ें रस सिक्त हृदय के भीतर दबी दबी रहती हैं। शिष्टाचार के रूप में उन जड़ों के बाहर आते ही उनके सूखने की आशंका होने लग जाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की श्रद्धा का सुकुमार अंकुर दिखावे के ताप का स्पर्श पाकर कुम्हलाने लगे। फिर बल्लभ के सिर पर स्नेह भरा हाथ फिराते हुए पूछा, तुम कब आए बल्लभ? तो बोला, परसों संक्रांति को। बल्लभ के नम्र स्वर सुनाई पड़े और उन्होंने बताया कि आपको देखने के लिए तरस रहा हूं। बल्लभ ने कहा, आज काका जी ने कृपा की तो आपके दर्शन हुए। अपने लिए काका जी शब्द का प्रयोग सुनकर चतुर्दास जी के अधरों पर मुस्कुराहट फैल गई। इधर भगवत रसिक जी कहने लगे, बल्लभ, तुम्हारे काका जी सबके प्रति बड़े सहृदय और कृपालु हैं। दूसरे तीसरे दिन आकर मेरे ऊपर भी कृपा की वर्षा कर जाते हैं, पर ये तो बताओ कि तुम्हारा इनसे परिचय कैसे हुआ? तो बल्लभ ने उत्तर दिया, टटिया स्थान में पहुंचकर जब मैंने आपके बारे में पूछा तो उन्होंने ही बताया कि आप यहाँ बावड़ी पर ही रहते हैं। जब से आया हूँ तब से इन्हीं के संरक्षण में हूँ। इन्होंने ही प्रसाद पवाया है और आज मुझे संग लेकर वे स्वयं यहाँ पर आए हुए हैं। बल्लभ की बात सुनकर भगवत दास जी का मन चतुर्दास जी के प्रति विशेष कृतज्ञता से भर गया। वे सोचने लगे कि आखिर मेरे नाम की खातिर ही तो चतुर्दास जी ने इस बालक के लिए इतना कष्ट सहा है। तभी चतुर्दास जी कहने लगे, भैया बल्लभ, मानवीय संवेदना के ये गुण तो मैंने रसिक जी अर्थात भगवत रसिक जी से ही सीखे हैं।
नहीं तो विरक्त होने के साथ साथ मैं तो इन गुणों को भूलने ही लगा था। जिस तरह आज मैं तुम्हें लेकर इनके पास आया हूँ, उसी प्रकार ये भी एक दिन मुझे लेकर गुरु महाराज के पास गए थे और इन्होंने प्रार्थना करके मुझे स्वामी जी के धर्म में दीक्षित कराया था। तब भक्तों वल्लभ ने उत्साह से कहा, मुझे रसिक जी के पास लाकर आधा काम तो आपने कर ही दिया, आप इनसे प्रार्थना कीजिए कि स्वामी जी के धर्म में मुझे दीक्षित और कर लें, ताकि आपके व्यक्तित्व की वे रेखाएं जिन्होंने रसिक जी के व्यक्तित्व से प्रकाश पाकर विशेष आभार्जित की है, मेरे मार्ग के अंधकार को दूर करने में उपयोगी सिद्ध हो सकें। तो भक्तों उसके बाद वो बोले कि नहीं वल्लभ, मेरी प्रार्थना की अब कोई जरूरत नहीं है। चतुर्दास जी मुग्ध होकर के बात कहा था, अभी जब रसिक जी ने तुम्हारे सिर पर अपना स्नेहिल हाथ रखा था, चतुर्दास जी बोलने लगे इस बात को कि भगवत रसिक जी ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखा जब प्रेम भरा हुआ, तब मुझे स्पष्ट दिखाई दिया कि इनकी आत्मा का अमृत रस तुम्हारी आत्मा का अभिषेक कर रहा है। तुम्हारी दीक्षा तो हो चुकी वल्लभ, आज से तुम बिहारी जी के प्यारे हो गए और तुम्हारा नाम हुआ बिहारी वल्लभ। फिर लहजा बदल कर बोले, अच्छा एक बात बताओ, जिस समय से रसिक जी ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा है, उस समय से बिहारी जी महाराज की छवि तुम्हारे हृदय सिंहासन पर आकर विराजमान नहीं हो गई क्या? चतुर्दास जी के इस प्रश्न का उत्तर बिहारी वल्लभ नहीं दे सके। उनका गला रुंधा हुआ था और आंखों से आंसू की बूंद टप टप गिर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाकर भगवत दास जी के नेत्रों पर टिका दी। शायद वो पूछ रही थी, क्या काका चतुर्दास जी जो कह रहे हैं वो सही है? भगवत दास जी के नयनों ने मानो जवाब दिया, अरे पगली, अपने हृदय के सुख दुख का प्रमाण भी क्या कभी कोई दूसरे से पूछ कर पाता है? और फिर जो आंसुओं का प्रवाह शुरू हुआ है, वो हृदय के भीतर जहाँ तहाँ जमे काम क्रोध आज के तमाम मलिनता को हटा चुकने पर ही तो थमता है। जिस क्षण भगवत रसिक जी ने वल्लभ को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, उसी क्षण से चतुर्दास जी के हृदय ने भी भगवत रसिक जी को गुरुदेव के बराबर गद्दी पर ही बिठा दिया। अब तक भगवत रसिक जी ने संकल्प कर रखा था कि उन्हें कोई गुरु चेला के खेल में उलझकर अपने रास्ते को खोटा नहीं करना, किंतु वल्लभ के सामने आने पर यह संकल्प चुपचाप न जाने किधर से निकलकर भाग गया। संकल्प विकल्पों के ऊंचे नीचे रेतीले टीलों को बहा कर ले जाने में प्रेम प्रवाह को बड़ा मजा आता है। जब वो उमड़ता है तो सारे अवरोध पलक झपकते ही चकनाचूर हो जाते हैं और उनका कहीं नामो निशान तक नहीं रहता है। बिहारी वल्लभ जब श्यामा श्याम की केल माधुरी के अवलोकन का अधिकार पा गए और चतुर्दास जी को भी बावड़ी पर ही अपनी रस साधना की अनुमति मिल गई, रस साधना करने की, तब अन्य जिज्ञासुओं के लिए भी भगवत रसिक जी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो गया। भगवत रसिक जी चूंकि एक उच्च कोट के सिद्ध संत थे और न केवल स्वयं नित्य विहार के प्रत्यक्ष दर्शा से, बल्कि यहाँ तक पहुँचने में आने वाली अड़चनों तथा उन अड़चनों के हटाने के तरीके को भी अच्छी तरह जानते समझते थे, इसलिए इस रस के लोभी भ्रमर दूर दूर से आकर उनके पास मंडराने लगे।
और भक्तों, ब्रज वृंदावन के अतिरिक्त चित्रकूट, जनकपुर, अयोध्या आदि क्षेत्रों में रहकर साधना करने वाले जिज्ञासु रसिकों ने जब भगवत रसिक जी की प्रसिद्धि सुनी तो वे भी सांप्रदायिक सीमाओं को लांघ कर इन तक पहुंचने में तथा इनकी सहायता से अपने को साधना मार्ग में ठीक ठीक पहुंचाने में और साधना मार्ग की रुकावटों को हटाने में समर्थ हो सके। और यहाँ उन सब की चर्चा करना, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, सबकी संभव तो नहीं है, किंतु कुछ बातें मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। भागवत रसिक जी के व्यक्तित्व की रेखाएं जैसे अब उभर रही थी, हर जगह उनकी चर्चा होने लगी थी महान महान संतों में। एक दिन भागवत रसिक जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रिया प्रीतम के ध्यान में लीन होने के लिए अपनी चित्त वृत्तियों को समेट कर अंतर्मुखी करने की कोशिश कर ही रहे थे और उन्हें बाहर कुछ शोरगुल सुनाई दिया। सहसा उनका ध्यान उचट गया। ध्यान से सुना तो मालूम हुआ कि बिहारी वल्लभ किसी से बातें कर रहा है। भगवत रसिक जी ने उसे गुफा में बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि कोई सज्जन अयोध्या से आए, अपना नाम मोहन रसिक बता रहे हैं और आपसे मिलने की हट कर रहे हैं। मैंने कह दिया कि इस समय तो गुरुजी ध्यान में लीन हैं, बाद में आना, फिर भी मान नहीं रहे। भगवत रसिक जी ने मुस्करा कर कहा, वल्लभ भैया, विज निषेध की झिलमिली के पीछे सतत प्रकाशमान श्री स्वामी जी बिहारी जी की इच्छा को पढ़ना सीखो। क्या उनकी प्रेरणा के बिना कोई व्यक्ति यहाँ आने की बात सोच सकता है? तब बिहारी वल्लभ ने गर्दन झुका ली। भगवत रसिक जी बोले, वल्लभ, श्री सुखदेव जी महाराज ने ही मोहन रसिक जी को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया था। मोहन रसिक जी रास का ध्यान सीखना चाहते थे और अब यहाँ पर आए हुए हैं, तो जनक नंदिनी की उन पर कृपा है, नहीं तो वे अयोध्या से नहीं आते हैं। वे रास रस रहस्य को जानने के अधिकारी हैं, उन्हें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ भीतर लिवा लाओ। बिहारी वल्लभ आगंतुक को अंदर लिवा ले आया और प्राथमिक शिष्टाचार के उपरांत भगवत रसिक जी ने एक नज़र मोहन रसिक जी पर डाली जो आए हुए थे। फिर मुस्करा कर कहने लगे, बंधुवर, रास रस को झेल पाने की पात्रता हर एक व्यक्ति में नहीं होती, उसके लिए हृदय को भक्ति रस के अमृत से धोकर उज्ज्वल इतना निर्मल बनाना पड़ता है कि काम क्रोध लोभ आज के कालुष्य की कोई विरल सी रेखा भी उसमें न रह जाए और इसके अभिमान की भाव भी वहाँ न जमने पाए। आपके ऊपर जनक नंदिनी की अद्भुत कृपा है, ये उन्हीं कृपा का परिणाम है कि आपके भीतर इनमें से कोई खोट नहीं है, आपका हृदय उज्ज्वल है और इस उज्ज्वलता के अहंकार से भी वो मुक्त है, किंतु एक हल्का सा पर्दा अभी भी बीच में पड़ा है। आपने जिस खानदान में जन्म लिया है उसकी कीर्ति परंपरा बड़ी महान है। श्री मुरारी देव जैसे यशस्वी महापुरुषों का आपसे संबंध है, इस कारण से आपकी दृष्टि में औरों के प्रति कभी कभी हीनता का भाव आ जाता है। आप ये सोचने लगते हैं कि अन्यों की तुलना में मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ। किसी भी कारण से सही, जब तक औरों की तुलना में अपने को बड़ा मानने का ये भाव विद्यमान है
तब तक संपूर्ण विश्व के साथ आपका तादात्म्य नहीं हो सकेगा। आप विश्वात्मा से कटे रहेंगे और उस स्थिति में आपके लिए देह सुध भूल पाना कठिन होगा। आप तो विदेह कुमारी को अपनी सखी मानते हैं ना, तो उनके रंग महल में जो कोई स्त्री भाव या पुरुष भाव की गंदगी लेकर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे क्यों वो अंदर जाने देंगे? भगवत रसिक आंखें बंद किए ये सब बातें सुना रहे थे। और जो अयोध्या से आए हुए थे मोहन रसिक जी, वो बहुत सावधानी से जैसे कान खोलकर सुन रहे थे। आज तक अनेक सिद्धों संतों तथा महंत मठाधीशों का सत्संग उन्होंने किया था, किंतु इतनी गहरी बात और इतने खुलेपने के साथ किसी ने कभी नहीं कहा। उन्हें आश्चर्य तो इस बात का था कि जिस हृदय को मैं अपना मानता रहा था उसका रहस्य मुझसे ही छिपा रहा, और आज जब भगवत रसिक जी की आंखों में उसे देखा तो मालूम पड़ा कि सचमुच वैसा नहीं है जैसा मैं समझ रहा था, बल्कि 16 आने वो वैसा है जैसा भगवत रसिक जी कह रहे हैं। तब भक्तों मोहन रसिक जी को अपने हृदय की मीमांसा में उलझे देखकर जब भगवत रसिक जी ने बोलना बंद कर दिया, तब मोहन रसिक जी को लगा जैसे अमृत रस का सहज निर्धर अचानक ही लुप्त हो गया। उन्होंने आकुल होते हुए कहा, महाराज रुकिए मत, बोलिए, बोलते रहिए, आज मेरे जन्म की कृतार्थता का दिन है, आपकी कृपा से ही वाणी मुझे सुनने को मिल रही है। भगवत रसिक जी मुस्कुरा कर कहने लगे, आप जुगाली करने लगे तो मैं ठहर गया, जो मैंने सुनाया था उसी पर आप विचार करने लगे थे ना, इसलिए मैं ठहर गया। हाँ, जो विचार करना था, जुगाली करना भी आवश्यक होता है। आदमी रात दिन खाता रहे, उसे पचाने का समय न मिले तो फिर कैसे उड़ रहेगा, ठीक हो तो रोगी हो जाएगा। इसलिए जो मैंने सुनाया उस पर आप विचार कर रहे थे जो, वो अच्छी बात है। उस दिन भगवत रसिक जी ने उन्हें दैनिक चर्या के बारे में सामान्य संदेश दे करके विदा कर दिया। और भक्तों वो कहीं गए नहीं थे, वृंदावन में ही थे, इसलिए इस भागवत रसिक जी के महान सत्संग का लाभ प्राप्त करने के लिए वो आते रहे समय समय पर। और फिर ये अयोध्या जी से आए हुए जो मोहन रसिक जी थे, ये भागवत रसिक का सत्संग प्राप्त करके आनंदित होते रहे। किंतु उस चर्चा को मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज इन महापुरुषों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।